अगर कह दे मुझे चांद भी ले आओ जाने जा जाने जा। हेलो गाइस, आई एम बैक टू माय चैनल विद पीडिया एंटरटेनमेंट। मैं जूही शर्मा। सो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और मजेदार वीडियो लेके। और हर बार योगी की डिमांड होती है कि मैं उसे किस करूँ, और मैं हमेशा उसे टाल देती हूँ। बट गाइस, फाइनली आज मेरा मूड है कि मैं उसे किस करूँ, और वेदर भी बहुत अच्छा है और उसके रिएक्शन देखने वाले होने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। मैं वीडियो के एंड में मिलती हूँ। अपना छोड़ो यार, मैंने बुलाया वो मत सोचो कि मैंने क्यों बुलाया, किस लिए। बस ये जानो कि मैंने बुलाया ही क्यों है तुम्हें। और वैसे यार बेटे, देखो हर बार तुम मुझे किस किस करते थे कि मैं किस करूँ तुम्हें, किस करूँ। और आज ना वेदर बहुत रोमांटिक है, और आज मेरा मन है कि मैं तुम्हें किस करूँ, वो भी अपने सोसाइटी में बुला के। ओ, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया यार। पागल है क्या, घर में भी कोई आ जाएगा यहाँ से? देखो कि ओ, गली में आशिया चल रही है। वो तो मैं तो अपने यार फ्लैट पे बुलाता हूँ तुझे, वहाँ पे हम लोग। मैं तुम्हें किस करूं तो किसी और को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए यार? किसी और को प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी तेरे घर वालों ने किसी ने देख लिया फिर दिक्कत तो हो जाएगा ना। बोले कि ओ, लड़की अपने सोसाइटी में बुला के रोमांस कर रही है। तुम्हें दिक्कत है क्या? नहीं, मेरे को वैसे इतना ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस ना करूं, कोई और है क्या, ये भी बता दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो किस तो मुझे ही कर ले, अब दूसरे के पास क्यों जाएगी? अच्छा, मतलब कोई और भी है क्या तेरा? अरे नहीं नहीं यार, तू मुझे ही कर, मुझे ही कर, मुझे ही कर। मैं नहीं चाहता कि तू बिल्कुल भी यार किल से, तेरा बिल्कुल भी दिमाग डाइवर्ट हो। और वैसे भी तो यार वेदर इतना रोमांटिक है, ऊपर से मैं तुम्हें इतने प्यार से रोमांटिक मूड में हूँ, और तुम मेरा मूड एकदम दही कर रहे हो। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं करने दूंगा यार, पागल है क्या? लेकिन इन दिनों का तो मैं कब से यार वेट कर रहा था, कब से मैं हवन रचवा रहा था यार, कब वो दिन आएगा जब जूही के अंदर यार प्यार वाली फीलिंग्स आएगी, और वो खुद आने के बाद मेरे को बोलेगी कि योगी आई लव यू और आई वॉन्ट योर रोमांस। यार मेरे को चाहिए तुम्हारा प्यार, चाहिए हर जगह मुझे योगी तुम्हारा प्यार चाहिए। ये मैं वेट कर रहा था इस बात का यार। जब मैं इतनी रोमांटिक हो रही हूँ तो तुम इतनी बातें क्यों कर रहे हो यार? आई मीन सीरियसली, मैंने तुम्हें बुलाया किस लिए बताओ मुझे यार? अनबिलीवेबल, मेरे को यार भरोसा नहीं हो रहा यार कि तुम मेरे को किस कर रही है। तुम्हें क्यों भरोसा नहीं हो रहा पहले ये बताओ। अबे सच में यार, भाई साहब आज तो ना किस्मत खुल गई। सच बताऊं तो इसका मतलब है कि अब मेरे को मांगने की जरूरत नहीं पड़े करेगी किसकी, क्योंकि अब लड़की धीरे धीरे समझ रही है मुझे, है ना? अच्छा, मतलब तुम्हें बिलीव नहीं होगा? अरे यार बिलीव करो, सपनों से जागो। यार तूने पहले इतना ज्यादा मेरे सपनों तोड़ दिए थे ना, कि अभी मैं जोड़ते जोड़ते भी उनको फील नहीं कर पा रहा हूँ। ना अब तो मैंने तुम्हारे सपने वापस वैसे पूरे कर दिए ना, जैसे तुम चाहते थे। और एक बात बताऊँ ना, सच में यार तू तो ऐसा ही रहना हमेशा, मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार, सच बता रहा हूँ। ये मत सोचो कि तुम जब गलतियाँ करोगे तब भी मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करूँ, तब तो मैं तुम्हें मारूंगी। चलो आज नहीं मार। कोई बात नहीं, अगर तू मेरे को पिटाई भी करेगी ना, मैं प्यार में तो यार सब कुछ जायज है, मार ले यार कोई दिक्कत नहीं है। बट यार प्यार करते रहिए, मार खानी पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है, अगर तुम कोई गलती करते हो तो तुम्हें मार खानी खानी है। ओ, मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सबसे बेस्ट बॉयफ्रेंड हूँ। गलती तो यार तुमसे होती है, और तुम अपनी गलती मुझ पे लगाती हो। बोलो होती है नहीं होती है? गर्लफ्रेंड कभी गलत नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। करेक्ट करेक्ट, बॉयफ्रेंड कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन गर्लफ्रेंड के देखने का नजरिया उसे गलत बना देता है। अच्छा मैंने अब तुम्हें किस किया तो यार मुझे भी तो किस रिटर्न में मिलने चाहिए थे ना। मैं करूं क्या? यानी तुम मुझे किस नहीं करोगे, ये कहना चाहते हो ना? यार नहीं नहीं यार, देख तूने कर लिया ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा सच में। और आज दिन तक का ना सबसे बेस्ट टाइम है ये मेरा, क्योंकि आज मेरी गर्लफ्रेंड ने किस करी है मुझे। अरे नहीं नहीं पागल, ऐसे क्यों बोल रही है? यार ऐसे क्यों बोल रहा, सुनना यार, यार सुनना, क्यों बोल रही है कि मैं किस नहीं करता? ले, बट हाँ मेरा जो अंदाज है ना वो कुछ अलग है यार, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का। गुस्सा होने वाली थी अभी, और मैं नहीं होने दूंगा। होने दो, अगर मैं गुस्सा हो गई तो तुम्हारे लिए बहुत
बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, पता है ना तुम्हें? मुझे पता है, मैं कभी गुस्सा होने ही नहीं दूंगा। मैं तो यार एक यूनिक ऐसा पीस हूँ ना इन होल वर्ल्ड कि यार अपनी गर्लफ्रेंड को कभी गुस्सा होने ही नहीं दूंगा, और वो भी इसलिए क्योंकि यार तुम इकलौती तो अब और तुम भी गुस्सा हो जाओगी तो यार मेरा क्या होएगा फिर? मेरे जैसे बॉयफ्रेंड का होने से बढ़िया है कि होने से पहले ही चला जाता है यार। लेकिन मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ना ही तुम्हें कभी भी गुस्सा होने दूंगा और ना ही तुम्हें ज्यादा खुश, क्योंकि ज्यादा खुश होने के बाद भी लड़कियां ना सर पे चढ़ के फिर ना इतराने लग जाती हैं। तुम ऐसे बोल रहे हो, मतलब मैं इतराती कब हुई ये बताओ? कम नहीं है बेटा तू भी? हाई डिमांड पूरी करता हूं, मैं कभी इतराती हूं? नहीं इतराती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इतराना भी मत, इतू सा भी नहीं, मैं बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड हूं। हां वो तो मेरे को पता है यार, आलिया भट्ट के बाद तेरा ही नाम आता है लिस्ट में। उसके बाद में ना सारे के सारे आशिक ना फांसी लगा के मर गए थे, वो भी इसलिए क्योंकि उनसे प्यार का एक्सप्रेस नहीं हुआ था यार। समझे करना बात को। चलो ठीक है यार, अरे यार चले अब हम घूमने। कहां? तुम मुझे घुमाने ले जाने वाले थे ना? तू मेरे को दे रही है पार्टी, वैसे भी तूने अपनी सोसाइटी में बुलाया, तूने किस करा, तूने सब कुछ करा, आज तू रोमांटिक फील में है तो आज पार्टी भी तेरे साइड से होनी चाहिए ना। पैसे की कमी थोड़ी है तेरे घर पे भी, बट हाँ बॉयफ्रेंड के बिल फड़वाने में मजा आता तुझे तो, है ना? बॉयफ्रेंड किस लिए होते हैं? खर्चे करने के लिए। चलो। और गर्लफ्रेंड किस लिए होती है? बॉयफ्रेंड के लिए। चलो चलो इट्स ओके। So guys, देखा फाइनली मैंने उसे किस कर दिया, उसके रिएक्शन बहुत ही गजब थे और वो बहुत खुश था। तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा इंस्टा अकाउंट, ये मेरा फेसबुक अकाउंट, जल्दी जाइए मुझे फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ।